वेलकम टू ऑटो शिफ्ट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू जनरेशन आने वाली टोयोटा इनोवा हाइब्रिड के बारे में। अभी अगर रिसेंटली बात करूं तो टोयोटा जो इंडिया में इनोवा बेच रही है वो सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट की बुकिंग्स ले रही है। डीजल वेरिएंट को अभी बुकिंग जो है वो बंद कर दी गई है। अब वो डिसकंटिन्यू करी गई है या फिर वो थोड़े दिनों के लिए बुकिंग जो है वो ऑफ करी गई है वो अभी कन्फर्म नहीं है ऑफिशियली, बट ये है कि अभी के लिए सिर्फ पेट्रोल वेरियंट्स की ही बुकिंग्स ली जा रही है टोयोटा इनोवा की जो करंट जनरेशन चल रहा है। अब अगर मैं न्यू जनरेशन की बात करूं तो उसका वर्ल्ड प्रीमियर जो जाएगा वो नवंबर 2022 में करा जाएगा। ऑफिशियल इमेजेस जो इंडियन स्पेक वर्जन की होगी, ऑफिशियली जो इंडियन स्पेक वर्जन आएगा न्यू जनरेशन इनोवा का, वो 2023 जनवरी ऑटो एक्सपो में आपको रिवील करा जाएगा। उसी के अलावा उसी में आपको जो स्पेक्स वगैरह होंगे या फिर जो प्राइस भी हो सकते हैं तो एक्सपेक्टेड है कि प्राइस भी वो उसी में अनाउंस कर दे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये दोनों इनोवा जो पेट्रोल वर्जन है करंट वर्जन और जो न्यू जनरेशन आने वाला है उन दोनों को साइड बाय साइड जो है वो टोयोटा इंडिया जो है वो सेल करने वाली है, जो कि न्यू जनरेशन जो है वो काफी ज्यादा मोर प्रीमियम होने वाला है करंट जनरेशन में। बहुत सारे चेंजेस उसमें देखने को मिलने वाले, बहुत सारे फीचर्स उसमें एड ऑन हो सकते हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि उसमें आपको एडिशनल एडवांस फीचर्स और एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी आपको देखने को मिले। हालांकि लॉन्च होने से पहले जो है वो काफी ज्यादा जो डिटेल्स है उसकी ऑलरेडी लीक हो चुकी है इंटरनेट पे। अगर मैं लीक डिटेल्स की ही बात करूं तो पहले अगर मैं वेरिएंट की बात करूं तो वेरिएंट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि 5 वेरिएंट में आपको देखने को मिल सकती है, जो कि सारे पेट्रोल रहेंगे, डीजल कुछ नहीं रहेगा उसमें। जी पेट्रोल, जी हाइब्रिड, वी पेट्रोल, वी हाइब्रिड और क्यू हाइब्रिड। इसमें आपको जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का इंजन का ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको माइल्ड हाइब्रिड या फिर स्मार्ट हाइब्रिड इंजन भी देखने को इसमें मिल सकता है, जो कि फ्यूल इकोनॉमी के साथ साथ आपको एक बेटर परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड कर सकता है। एक्सपेक्टेड है जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है वो अर्बन क्रूजर हाई राइडर जो आने वाले टोयोटा की उसी की तरह जो है वो वर्क करने वाला है। अब अगर मैं पेट्रोल इंजन की बात करूं तो 1.8 लीटर का पेट्रोल आपको नॉर्मल इंजन देखने को मिलेगा और 2 लीटर का पेट्रोल इंजन आपको हाइब्रिड सिस्टम के साथ देखने को मिलेगा, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी और एक बड़ा बैटरी पैक मिलेगा जिसमें आपको ईवी मोड देखने को मिल जाएगा और बहुत सारे फीचर्स जो है वो इसमें देखने को मिल जाएंगे। अब कॉस्ट को थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव रखने के लिए एमपीवी, क्योंकि हालांकि अगर मैं अभी भी बात करूं तो टोयोटा इनोवा का कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है नहीं अभी इंडियन मार्केट में। अगर मैं प्रीमियमनेस की बात करूं, व्हील बेस की बात करूं, कैबिन स्पेस की बात करूं या फिर सिटिंग कॉन्फ़िगरेशन की भी बात करूं तो टोयोटा इनोवा के कॉम्पिटिशन में अभी डायरेक्टली कोई है ही नहीं। तो अगर कॉस्ट को भी थोड़ा सा इफेक्टिव रखना है अगर टोयोटा को, तो वो एक्सपेक्टेड है कि जो हाइब्रिड सिस्टम वाली गाड़ी होगी उसे लोकलाइज्ड ही बनाया जाएगा, इंडियन मार्केट में ही बनाया जाएगा, ताकि प्राइस को वो थोड़ा सा इफेक्टिव रख सके और हर कस्टमर के रीच में हो वो प्राइस। अब आ जाते हैं इसकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि परफॉर्मेंस भी इसकी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करी जाएगी, कैबिन स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करा जाएगा, क्योंकि इसमें आपको जो प्लेटफॉर्म मिलने वाला है वो न्यू जनरेशन न्यू प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा, जो कि है अंडरपिन है मॉड्यूलर TNGAB प्लेटफॉर्म। तो बट उससे पहले आपको टोयोटा इनोवा में देखने को मिलने वाला। अब अगर मैं नेम की बात करूं तो इंडोनेशियन मार्केट के लिए इसका नेम रखा गया है टोयोटा इनोवा ZNEX और इंडियन मार्केट के लिए एक्सपेक्टेड है कि इसका नेम रखा गया है टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस। हाईक्रॉस जो है वो 2 महीने पहले जो है ट्रेडमार्क भी करा गया है टोयोटा इंडिया की तरफ से, तो एक्सपेक्टेड है कि हाईक्रॉस इनोवा के लिए ही जो है वो ट्रेडमार्क करा गया था। अब आ जाते हैं इसमें अगर फीचर्स की मैं बात करूं तो जो इन्फॉर्मेशन लीक हुई है उसके हिसाब से टोयोटा सेफ्टी सेंस सूट इसमें आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि लेवल 1 आपको एडास इसमें देखने को मिल जाएगा, जो कि है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और बहुत सारे जो सेफ्टी फीचर्स लेवल 1 एडास में आपको देखने को मिलते हैं वो आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। सिटिंग कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 7 सीटर और 8 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको ये जो है न्यू जनरेशन इनोवा देखने को मिलने वाली है। जो अभी करंट मॉडल चल रहा है वो रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती है और जो न्यू जनरेशन आने वाली हाईक्रॉस वो आपको फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप के साथ देखने को मिल सकती है। प्लेटफॉर्म भी नया है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं व्हील बेस थोड़ा सा बड़ा होगा और आपको जो कैबिन है वो एग्जिस्टिंग मॉडल से काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस आपको देखने को मिलने वाला है। तो कैसी लगी आपको टोयोटा इनोवा न्यू जनरेशन हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। नमस्कार।